हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज है 26 मई गुरुवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो ऐसा है कि कल की जो सब्जियां बची हुई है नंगोई बाज़ार का, उसको जा रहा हूँ ले के बेचने के लिए। गाँव में ही देख सकते हैं सब्जियां जो है दोनों की एक एक साइड लटका लिया हूँ, और घर के लिए जो है थोड़ा खाने के लिए सब्जियाँ जो है थोड़ा थोड़ा निकाल दे रहा हूँ। दो कैरेट नीचे और दो कैरेट ऊपर, ये दोनों कैरेट को ऊपर से बांध देते हैं ये रस्सी से। रस्सी को बांध रहा हूँ ये किनारे पे। तो गाइस जो सब्जियां है उसको लेके जा रहे हैं बेचने के लिए पास ही में गांव में ही। तो चलिए इसको बेच के आते हैं और आगे आप लोगों से मिलता हूँ मैं। क्या क्या सब्जियां देख सकते हैं, भाटा है, गंवार है, आलू है, करेला है, लौकी है। तो चलो मिलता हूँ आप लोग से आगे। सो गाइस अभी 7 बज रहे हैं सुबह के और सब्जियाँ को बेचने गया था, बेच के आ गया। और क्या क्या रेट बेचा उसको दिखाता हूँ आप लोग को। सब्जी जो बिकी है दिखाने के बाद तो ये देख सकते हैं, आलू इसमें था, करेला बिक गया, इसमें था आलू बिक गया, भांटा था वो बिक गया, बस अपना बचा है तो ये गंवार जो कि ख़राब हो रहा है भाई साहब। और बात करें किस रेट में जो सब्जियों को बेचे तो 10 रुपये में भेज दिया मैं गंवार को, जो कि 10 रुपये का ही खरीदा था। भांटा को बेचा 10 में, वो भी 10 रुपये में ही ख़रीदा था। करेला को बेचा भाई मैं 20 रुपये किलो में, 16 रुपये में ख़रीदा था उसको। और आलू को बेचा 25 रुपये किलो में, एकदम सस्ते में बेच के आया। अब देखते हैं कि अपना जो पैसा है वो बना है कि नहीं, कितना मतलब 700 रुपये कम पड़ा, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 700 रुपये मिला है कि नहीं। तो चलो बताता हूँ घर के अंदर आप लोग को। सो गाइस मार्केट या गाँव में सब्जी बेच के पहुँच गया मैं घर। और बात करें कल की सब्जियों में तो 700 रुपये का अपने को लॉस हुआ था, और अभी बेच के आया तो 700 रुपये में कितने का बेचे, तो बची हुई सब्जियों को केवल 300 रुपये का ही बेचे। मतलब कि एकदम घाटे में बेचना पड़ा यार। जो लौकी था वो 10 रुपये का था, उसको 5 रुपये, यहाँ तक कि 2 रुपये में बेच दिया। और गंवार को 10 रुपये में बेचा, भाटा को 10 में, करेला को 20 में, आलू को 25 में, जो कि 30-30 में बेचा रहता तब अच्छा रहता। तो टोटल जो है 400 रुपये का कल के सामान में मेरे को लॉस हो गया। और बस इतना ही था, मज़ा नहीं आया पूरा। कल बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, दिन भर नहाया वहाया खाया वहाया कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे पूरा जीरो। तो ठीक है गाइस, तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज है 26 मई गुरुवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो गाइस ऐसा है कि अभी जाने वाला हूँ मैं तखतपुर सब्जी मंडी, सब्जियाँ खरीदने नहीं जाने वाला हूँ। तखतपुर में थोड़ा सा केस हो गया है, क्योंकि पहले जो है फार्मर्स लोग का, किसान लोग का मार्केट जहाँ किसान लोग अपने सब्जियाँ ला के बेचते हैं वो, और कमीशन मार्केट मतलब मंडी वाले जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं और किसानों का सामान कमीशन में बेचते हैं, वो दोनों चीज़ें एक जगह लगता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जो कमीशन वाला मंडी है, एजेंट वाला, वो चला गया है यहाँ से किसान मार्केट से 3 किलोमीटर आगे उधर, मतलब दूर चला गया है। और किसान मार्केट जो है वो जहाँ लगता था वहीं लग रहा है। तो जो मंडी वाले लोग हैं उधर कोई लेने ही नहीं जा रहा है, सब लोग सीधा डायरेक्ट फार्मर से खरीद ले रहे हैं, तो वो लोग का लॉस हो जा रहा है ना। तो वो लोग जो है केस कर दिए हैं कि फार्मर्स लोग को आप लोग भी यहाँ से भगाओ और हमारे पास भेजो, ताकि लोग जो है हमसे भी सब्जियाँ ले करके। तो ये केस बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपन तखतपुर और ये मुद्दे के ऊपर डिटेल से जानते हैं कि किसानों की क्या राय है और जो कमीशन मंडी वाले हैं उनकी क्या राय है। मतलब किसान जो है जाना चाहता है कि नहीं, और क्या बोलते हैं कमीशन वाले जो है वो मतलब क्यों इन लोग को अपने पास बुलाने पे तुले हुए हैं, किनको ज़्यादा प्रॉफिट है और किनको ज़्यादा लॉस, इस सभी चीज़ों के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए और अपना भी राय दीजिए कि फार्मर्स को उन लोग के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। वो लोग कानूनी कार्यवाही भी कर रहे हैं, तो सभी प्रोसेस क्या क्या हो रहा है वहाँ, इस चीज़ को आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं तखतपुर सब्जी मंडी और वहीं मिलते हैं गाइस। सो गाइस पहुँच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी, चलिए चलते हैं मंडी के अंदर, मतलब किसान मंडी पहुँचे हूँ अभी जो है, कमीशन मंडी नहीं। एक आध फार्मर्स को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मतलब यहाँ क्या केस हुआ है, क्या हाल है और उनका क्या राय है। तो चलो फिर चलते हैं। तो
गाइस 10 बज रहे हैं सुबह के, और आज बहुत झने से बात करने का कोशिश किया मैं मंडी में कि पूछने क्या केस हुआ करके, लेकिन कोई भी ठीक से बात नहीं किया। तो घर पहुंच के आप लोग को बताता हूं कि मतलब एक्चुअल में केस हुआ क्या है उसको। यहां से निकलते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा है मेरे को। सो गाइस पहुँच चुका मैं तखतपुर मंडी से घर, मार्केट से घर। और बात करें मार्केट में आया तो मैं ये पूछने गया था लोगों से कि आखिर केस क्या हुआ है करके। मैं बस फार्मर्स है और जो कमीशन वाले हैं उनकी मतलब मदद करना चाह रहा था, मतलब फार्मर्स की ही मदद करना चाह रहा था कि आप लोग को मतलब क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों कमीशन वाले लोग जो है वो आप लोग को यहाँ लगाने से मना कर रहे हैं और अपनी तरफ वहाँ बुला रहे हैं करके। लेकिन कोई भी जो है कैमरा के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ, और मेरे को वीडियो बनाते वहाँ बना भी नहीं शोरगुल के चलते। तो बेसिक से केस ये हुआ है उन लोग का कि जो कमीशन वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ लगा रहे हो इस वजह से जो उधारी लेने वाले हैं, सामान उधारी में लिए रहते हैं, वो लोग उनसे उधार में सामान खरीद लिए हैं और सब अब आप लोग के पास सामान मिल जा रहा है तो आप लोग से सामान खरीद के चले जा रहे हैं, हम लोग के पास आ ही नहीं रहे, हम लोग का बहुत सारा पैसा फंस गया है, इसलिए आप लोग आके इधर मंडी में लगाओ हमारे साथ, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फार्मर्स लोग कहना ये है कि वो मंडी जो है वो बहुत दूर पड़ जाता है, उतनी दूर हम साइकिल से पैदल पैदल नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ऐसा करके वो लोग नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। तो यही केस हुआ है भाई, और ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं मिली, बस इतना ही जानकारी पता चला किसी फार्मर से या फिर वेजिटेबल सेलर से मैं बात कर पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता दिखा के, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हुआ बात करने को, तो क्या कर सकते हैं, यही था मुद्दा। तो ठीक है, फिर अभी मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ मार्केट से, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। अभी मैं नहाने के लिए आ रहा हूँ खेतों की तरफ, और कपड़ा भी पूरा मेरा गंदा हो गया है, 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिला है, और कोई धोने वाला तो है नहीं यार, अपना सिंगल आदमी, तो मैं ही धोता हूँ अपना जो है कपड़ा। तो चलिए कपड़ा वगैरह साफ़ करता हूँ अपना, फिर उसके बाद आज गुरुवार है, मम्मी पापा से मिलने मेरे को गांव साले कापा भी जाना है, वहाँ भी घर में बहुत सारा काम है कुछ। चलो तो नहाने के बाद आप लोग से मिलता हूँ, अभी कपड़ा वपड़ा साफ़ कर लेता हूँ पहले जो है।